नमस्ते दोस्तों, आपके सामने ये जो गाड़ी दिख रही है इसमें स्टीयरिंग व्हील से संबंधित कोई दिक्कत है। आइए सर से पूछते हैं कि क्या दिक्कत है इस गाड़ी में और उसमें क्या काम किया जाएगा और कैसे इसको सुधारा जाएगा। सर, आप जो अभी इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे पास जो गाड़ी आई हुई है, ये गाड़ी है नया मॉडल की जेस्ट। इस गाड़ी में स्टेयरिंग काटने पे आवाज़ आ रही है, इसका स्टेयरिंग आवाज़ कर रहा है। अब हम इस गाड़ी में स्टेयरिंग पूरी जो असेंबली है उसको चेंज करेंगे। उस असेंबली को पूरा कहते हैं स्टेयरिंग रैक असेंबली। वो असेंबली पूरी चेंज हो जाएगी गाड़ी की। अभी आपके सामने गाड़ी लिफ्ट में लगी है, ऊपर हो रही है। अभी हम आपको दिखाएंगे, इसके दो एंड रहेंगे लास्ट में, स्टेयरिंग एंड। वो दोनों चक्के के जो नकल रहेगा उसके साथ अटैच रहते हैं। वो दोनों जब अपन लेफ्ट साइड मोड़ते हैं तो एक साइड का बूट प्रेशराइज होता है, दूसरे साइड ऑयल रिलीज करता है, तो उधर का बूट पूरा फैलता है। जब हम लेफ्ट स्टेयरिंग कटिंग दूसरे साइड करते हैं तो उधर का बूट पूरा प्रेस होता है और इधर का बूट पूरा रिलीज होता है। आइए हम आपको गाड़ी पे वो शो कराते हैं। ये आप देख रहे हैं स्टेयरिंग एंड जो नया डला है। ये आपका स्टेयरिंग एंड नया डला हुआ है। ये नकल के साथ, ये इसको कहते हैं नकल, नकल के साथ ये इसका एंड यहाँ पे इसके लॉक नट के साथ टाइट हुआ है। ये स्टेयरिंग एंड निकल के ये आप देख रहे हैं, ये इसमें रबड़ की बूट लगी हुई है। ये बूट है, इसके अंदर पूरा ऑयल का सर्कुलेशन होता है। ये पूरी असेंबली यहाँ जिस जैसे राइट साइड टायर में है उसी तरीके से लेफ्ट साइड टायर में अपनी गई हुई है। इसको हम पूरा रिप्लेस करते हैं और सामने स्टेयरिंग व्हील के नीचे इसकी असेंबली जाके कंप्लीट फिट होती है। वहाँ इसका एलेंकी बोल्ट होता है, उसके जरिए वो टाइट होती है। अब हम इसमें आपको बता रहे हैं, जब गाड़ी का टायर राइट साइड कटिंग स्टेयरिंग मोड़ेंगे तो राइट साइड वाला जो बूट रहेगा, जो आपको अभी इतना फैला दिख रहा है, ये बूट पूरा ऐसे चिपक जाएगा और पास में, और लेफ्ट साइड वाला बूट पूरा रिलीज हो जाएगा। ऑयल का प्रेशर पूरा लेफ्ट साइड होने लग जाएगा और पावर स्टेयरिंग पंप के जरिए लेफ्ट साइड होगा और राइट साइड आपकी गाड़ी मुड़ जाएगी। अब स्टेयरिंग काटेंगे, इधर का बूट कंप्रेस हो जाएगा। सेम पोजीशन जब आप लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन रबड़ का बूट आपको दिखा है वो कंप्रेस हो जाएगा और राइट साइड वाला पूरा रिलीज हो जाएगा। ऑयल का प्रेशर आपके राइट साइड आने लगेगा। ये आपके इसमें जो चीज़ हमने चेंज किया है वो रीज़न ये था कि जब स्टेयरिंग हम काट रहे हैं तो जो ऑयल का प्रेशर हो रहा है उसकी वजह से गाड़ी जब स्टेयरिंग मोड़ रहे हैं हल्का हल्का नॉइस बना रहा है स्टेयरिंग रैक में। चलते समय स्टेयरिंग अपन काटेंगे उसमें नॉइस बना रहा है, इस वजह से स्टेयरिंग पूरी रैक असेंबली ये चेंज होगी। इस पूरी असेंबली को कहते हैं स्टेयरिंग रैक असेंबली। इसमें ना कुछ हम मॉडिफाई कर सकते हैं ना रिपेयर कर सकते हैं, ये पूरी कंप्लीट पैक असेंबली रहती है, केवल इसको रिमूव करके नया फिट किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये पुराना जो स्टीयरिंग व्हील का जो रैक असेंबली है उसको कैसे खोला जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि वो स्टीयरिंग व्हील के नीचे जहाँ पे हम पेडल्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे जो कनेक्टिंग बोल्ट वगैरह है उसको हम खोलते हैं पहले। ये खोलने के बाद नीचे से हमें पूरा का पूरा जो रैक असेंबली है वो लूज हो जाएगा और उसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो रैक असेंबली को बाहर निकालने के लिए अगर चाहे तो आप नीचे जो साइलेंसर की लाइन गई हुई है उसको भी आप हल्का सा ढीला करके उसको अगर निकाल लेंगे तो स्टीयरिंग असेंबली जो है, जो रैक असेंबली है, वो काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे उसको थोड़ा सा मार के इसको निकाला जा रहा है बाहर, और उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से जो रैक असेंबली है बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, आपके सामने ये रैक एंड पिनियन लगा हुआ है, वो स्टीयरिंग जब गाड़ी स्टीयर करते हैं तो ये एक अहम हिस्सा है उसका। तो आइए जानते हैं ये रैक एंड पिनियन में इतने सारे जो पार्ट्स हैं, क्या पार्ट्स हैं और इसके क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यस, इसके अंदर जो होता है एक रैक रॉड होती है और ये इसको बोलते हैं पिनियन। ये दोनों में एक स्लॉट बना होता है जो मैच करके पिनियन को जितना अपन घुमाएंगे रैक रॉड लेफ्ट या राइट उतना मूव होगी, ठीक है ना। ये एंड कहलाते हैं, टायर रॉड एंड कहलाते हैं, या अपर वॉल जॉइंट जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं इनर वॉल जॉइंट। ये मूवमेंट में चके को जैसे जिस हिसाब से पिनियन को घुमाएंगे, स्टेयरिंग व्हील को घुमाएंगे, स्टेयरिंग व्हील पिनियन को घुमाएगा, पिनियन रैक रॉड को घुमाएगा, ये लेफ्ट और राइट होता रहेगा। ये इसके अंदर ग्रीस होता है, बूट कवर है, ये बूट है, मतलब ये किसी चीज को कवर करके रखा है अंदर, कोई डस्ट या कुछ ना जाए उसके लिए है। तो अभी इस पे खराबी आ सकती है तो किस किस पोर्शन में खराबी आ सकती है? इसमें जो एंड है, अपर वॉल जॉइंट, इनर वॉल जॉइंट, इसके अंदर जो बुश लगे हुए हैं यहाँ पर जो रैक रॉड को संभाल के रखे रहते हैं, उसमें प्ले आ जाए तो उसकी वजह से नॉइज क्रिएट होती है। नॉइज क्रिएट होने पर अपन इसको रिप्लेस करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल पावर स्टेयरिंग है ये, इलेक्ट्रिकल से इसका जो मोटर है वो कॉलम में लगा हुआ है, स्टेयरिंग कॉलम में। तो ये
प्ले खराब होने से, किसी में भी प्ले खराब होने से पूरा ही अपना रैक एंड पिनियन पूरा, यानी एंड अलग से आते हैं है ना, अपर बॉल जॉइंट अलग से होता है, लेकिन इसके अंदर अगर बुश खराब हो गया तो पूरा रिप्लेस करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, तो ये आपने देखा है, ये एक्चुअली पुराना रैक एंड पिनियन है। अभी आगे देखेंगे कि जो नया रिप्लेस किया है वो कहाँ फिट किया है और कैसे फिट किया गया है। अभी आपके सामने जो है ये नया रैक असेंबली है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं सारे पार्ट्स जो अभी हमने आपको बताए थे, सारे पार्ट्स इसमें आपको एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे इसको तैयार करना है और फिर इसको कैसे गाड़ी में लगाना है। सबसे पहले इसमें हम एक डस्ट कैप लगाएंगे। ये डस्ट कैप इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे प्रोटेक्ट होता है गाड़ी के जो स्टीयरिंग रैक असेंबली है उसके अंदर धूल वगैरह न जाए, उसके लिए ये डस्ट कैप इस्तेमाल होता है। तो पहले ये डस्ट कैप को हम उसके ऊपर फिट करेंगे। ये पुराना जो था उसी को हम वापस इसमें रिप्लेस करके लगा रहे हैं, और एक बार ये रिप्लेस करके फिट होने के बाद पूरा जो रैक असेंबली है उसको हम गाड़ी में चढ़ाएंगे। ये डस्ट कैप लग गया है, उसको बराबर तरीके से हमने फिट किया है। ये फिट होने के बाद अब ये पूरा रैक असेंबली जो है हम अभी गाड़ी के अंदर चढ़ाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं इसको जिस तरीके से हमने निकाला था उसी तरीके से बराबर उसी दिशा में उसको लगाया जा रहा है। उसको पोजीशन में लाने के बाद अब स्टीयरिंग व्हील से उसको जोड़ा जा रहा है। जो पिनियन हमने देखा था वो पिनियन ही स्टीयरिंग व्हील का जो नीचे वाला पोर्शन है उसके साथ जुड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं उसको एडजस्ट करके बराबर बिठा दिया गया है। उसके बाद अंदर से भी उसको टाइट किया जा रहा है, दोनों जगह पे बराबर अलाइन करके फिर अंदर से भी टाइट किया जाता है। एक बार अलाइन करने के बाद बाकी जितने बोल्ट्स हैं उनको सबको टाइट किया जाता है ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए। उसके बाद अपर बॉल जॉइंट को भी व्हील के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों तरफ से इसको टाइट किया जा रहा है। उसके बाद फिर गाड़ी पे हम व्हील्स बिठा देंगे। व्हील्स बिठा के व्हील्स को पूरा टाइट करेंगे, और व्हील्स को टाइट करने के बाद अब गाड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अभी फ़िलहाल इस गाड़ी में हमने पूरी रैक असेंबली हमने चेंज कर दी है।
और इसके बाद इसमें कोई नॉइज वगैरह नहीं आने की आने का कोई चांस नहीं है इसमें जी। अब हमने इसके स्टेयरिंग डैक असेंबली पूरी चेंज कर दिया है, अब इस गाड़ी का फाइनल टेस्ट होगा और इसमें 99.9% है कि अब इसमें स्टेयरिंग नॉइज जैसी कंप्लेंट रिजॉल्व हो चुकी है, अब वो इसमें नहीं है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा है ये पूरा स्टेयरिंग व्हील का जो सिस्टम है आपने देखा हुआ है, ये पूरा हमने नया बदला हुआ है। पुराना वाला आपने थोड़ी देर पहले देखा था, तो पुराने वाले के पार्ट्स भी आपको समझाए थे हमने, तो इस हिसाब से आपकी पूरी स्टेयरिंग का जो प्रॉब्लम है उसको हमने इस पे रिजॉल्व किया है। धन्यवाद।